आपका नाम क्या जी? कहीं आपकी मंगनी तो नहीं हुई? आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, I'll be very honest, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मीना खाला से कुछ फैसला नहीं किया मीना ने। अब उन्होंने जो फैसला करना है वो ये है कि मेरी और हसन की शादी कब होनी है, बस। तुम फ्रीहा की शादी हसन से करना चाहती हो ना, ताकि वो खुश रहे, और मैं हसन की शादी मेहरबानों से करना चाहती हूँ ताकि हसन खुश रहे। खुदा के लिए इतने खुद कर्ज मत कर। बेटा, तुम्हें हसन के साथ शादी से कोई एतराज तो नहीं? मुझे एतराज नहीं। खाला, हसन! क्या हुआ अम्मी को? मैंने सिर्फ इनको लस्सी दी थी और ये गिर गई। क्या था उस लस्सी में? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। I'm really sorry. आपको लगी थी नहीं? एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप प्लीज नजर उठा के चलें। मेरा मतलब एक कोई हादसा हो सकता है इस तरह, but I'm really sorry. Are you okay? ये दवाई दे दे जी। कितने हो गए? 600। अच्छा, ये पकड़े आप, एक सेकेंड सर, जल्दी कर लें प्लीज। जी देख रही हूँ, बस मिल नहीं रहे। कितने कम है? 100 रुपए। नहीं, आप रहने दें। इट्स ओके, ये लें जी, रख लें आप। दरअसल मेरी अम्मी की दवाएं हैं, इस वक्त उन्हें देना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी आपकी मदद ना लेती। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में वापस कर दीजिएगा। मैं आपके पैसे इनको दे दूंगी, आप इनसे ले लीजिएगा। नो प्रॉब्लम। बारिश तो बहुत तेज होगी, मेरी अपनी गाड़ी खराब है, नहीं तो मैं आपकी मदद कर देता। नहीं, मैं चली जाऊं। आंखों को ख्वाबों की सजा मिली। मैंने आपसे कहा था कि जाना मुश्किल होगा, रुक जाए, मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया, आपको ड्रॉप कर। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शुक्रिया। आप यहाँ वापस आके अपने पैसे जरूर ले लीजिएगा, मैं इन्हें दे दूंगी। अम्मी, अम्मी मुझे नहीं मिल रही चाबी, मैंने तो यहीं रखी थी। अरे बेटा ठीक से देखो, वहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। आप ऐसा करें, फरी को उठाएं, उसे कहें कि उठ के मेरी चाबी ढूंढ दे, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले तुम नाश्ता कर लो, मैं उसे उठाती हूँ। अच्छा, मैं उसे हर चीज मिल जाती है। फरी बेटा उठो, तौबा है इस लड़की की आदत में। फरी बेटा, भाई की चाबी देखी है कहीं? ओफो, सुबह के 8 बज रहे हैं, उठती नहीं है लड़की। फरी, क्या सारा दिन पड़ी सोती रहोगी? उठो जरा, भाई की चाबी ढूंढ दो बेटा। फरी दरवाजा खोलो। क्या है अम्मी, 8 ही तो बजे हैं अभी, 12 नहीं बजे हैं, क्या मुझे उठाने शुरू हो जाती है? सोने ही नहीं। बेटा सवेरे उठ जाया करो, घर में बरकत होती है, और लड़कियों को तो वैसे भी सवेरे उठना चाहिए,
अल्लाह जाने कैसे ससुराल मिले। अम्मी एक तो हर माँ के पास ना ये ससुराल की धमकी जरूर होती है। अच्छा चलो, भाई की चाबी खो गई है, बेचारा परेशान हो रहा है, जल्दी से उठ के और ढूंढ दो। अच्छा ठीक है, आप जाए मैं आती हूँ। जल्दी से आना। ये रही चाबी, रात को वहां बैठे हुए थे सोफे पे, वहीं गिरी हुई थी। अरे वाह फरी, थैंक यू सो मच फरी। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। सही बात है, मुझे लगता है जब मैं चली जाऊंगी तो आप लोग मेरे बगैर कैसे मैनेज करेंगे। हाँ तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम शादी के बाद तुम्हें यहीं पर रख लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगी कि आप लोगों को अपने साथ ले चलूंगी। तुमने लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है इसे। ये भी बता दो कि माँ और भाई जहेज में नहीं जाएंगे इनके सपोर्ट के लिए। हाँ तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम उसको घर दामाद बना लेंगे और सारी जिंदगी से हमारी सपोर्ट मिलती रहेगी। What a great idea। और इस तरह जो है ना, अम्मी जो पूरा दिन मुझे ससुराल की धमकियां देती रहती ना, उससे भी बच जाऊंगी मैं। बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके हाथ मुंह धो, और मैंने किचन में खाना बना के रखा है, भाई के लिए जरा पैक कर जाओ। मेहरबानों के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हैं? कौन है, क्या करता है? अरे वो कुत्सिया है ना मेरी बहू, उसके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। बस उनको उनके घर वाले जानते हैं अच्छी तरह से। और लड़के ने वो क्या किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में मास्टर, और बैंक में बहुत अच्छी जॉब भी है उसकी। तो बिस्मिल्ला करो, बुलाओ ना किसी दिन। लेकिन उन्होंने मेहरबानों की तस्वीर मांगी है, और आपका शजरा। शजरा वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी तफसीलात लिख दें और मेहरबानों की तस्वीर रख दें, मैं आगे भिजवा दूंगी। ठीक है। फरियाब, क्या सरप्राइज है भाई तुम्हारा, आप जल्दी करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। फरिया किचन में है। अच्छा तुम, क्या फरिया ने तुम्हें भी मेरी तरह यू इमरजेंसी में लंच पे इनवाइट किया? नहीं, मैं तो सुबह से आई हुई हूँ, उसके कहने पे आज मैंने कुकिंग की है। ओ, तो ये खाना तुमने बनाया? जी आप लेना, ठंडा वाला खाना। चलो, अम्मी कहाँ पर है? आंटी नमाज पढ़ रही है, आप खाना लेना, ठंडा वाला। मैं तो ऑनेस्टली अब शुरू करने लगा हूँ क्योंकि मुझे हो रही है ऑफिस से देर और ये दोनों आ नहीं रहे। Nice. तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया भाई। Thank you. और बताओ, how's it going? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पर खड़ा हुआ देखा तो मैं रुक गया। मैं समझा शायद आपको मदद की जरूरत हो। उस दिन की तरह? वो आप थे जिन्होंने मेरी दोस्त की मदद की थी। सबा? मैं सबा, और आपकी तारीफ? जी मुझे उमर कहते हैं, उमर अहमद। अच्छा तो वो आप ही हैं जिनकी गाड़ी से ये मैडम टकराई थी। ओ तो आप भी जानती हैं उस वाकये के बारे में? जी नहीं, ये किसी और वाकये के बारे में बात कर रही है। मेहरबानो भाई, वापस करो ना इनके पैसे। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था, मैं तो बस आपसे मिलने आ गया। चले आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये मिलने आए थे। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे जब वो कह रहे हैं कि वो मिलने आए हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए, तो मान लो ना उनकी बात। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। चलता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी,
आखिर ये कैसा इत्तेफाक? लड़की मुझे आए दिन कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैं इसलिए आपको कहता हूं जरा ध्यान से चला गया। अब हैरान होने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं तो हैरान हो ही रहा हूँ कि इस तरह के इत्तेफाकात रोजाना क्यों हो रहे हैं। आप जैसे लड़कों के लिए किसी लड़की से मिलना क्या मुश्किल है? आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। आप मेरी बात तो सुने। रुकिए, एक्सक्यूज मी। देखिए, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं एक राह चलती लड़की हूँ। अगर मैं आपको गलत समझ भी रही हूँ तो इससे आपको क्या फर्क पड़ा है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फर्क पड़ा। अच्छा, तो फिर मैं आपको गलत नहीं समझ रही। क्या बदतमीजी है? I'm really sorry. मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जी? आपका नाम क्या? क्या? कहीं आपकी मंगनी तो नहीं हुई हुई? क्या आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, I'll be very honest, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुने आप प्लीज। देखें, मेरा नाम उमर अहमद है, ये मेरा कार्ड है। मैं एक मल्टीनेशनल में इंजीनियर हूँ, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। आपने अपना नंबर तो दिया नहीं, मेरा नंबर रख लें। ईमानदारी से फैसला करके मुझे बता दीजिएगा, मेरा कार्ड तो रखिए, वरना मैं फिर आपके पीछे आऊँ। बारे में कहा सच कहा? अम्मी ने जिस लड़की की तस्वीरें मुझे दी थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। क्या हुआ अम्मी? बेटा, एक तस्वीर दी थी मैंने तुम्हें, देखी? वो अम्मी, मैं भूल गई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रिश्ता है, नौकरी अच्छी है, घर बार अच्छा है, बस वो उसका अपना घर नहीं है। तो हम जहेज में उन्हें घर दें? अम्मी, मुझ में कोई ऐब है, कोई कमी है मुझ में? अल्लाह ना करे बेटा, तुम में क्यों कोई ऐब होने लगा? तो फिर मैं क्यों ऐसे लाचार और बेबस आदमी से शादी करूं जिसके पास अपना घर तक नहीं, जिसे घर बनाने के लिए बीवी का सहारा चाहिए?
अम्मी ये उमर है, अम्मी जो आप चाहेंगी वही मेरा फैसला होगा। फरहत बहन माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, हमें बहुत पसंद आई। बस अब आप हमारे बेटे को भी कबूल कीजिए, हमें आपकी बच्ची के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फरहत बहन क्या सोच रही है, हाँ कर देना। शुक्रिया, मुबारक। अरे भाई आपके भाई की मेहंदी है, आप शिरकत नहीं कर रही? जी नहीं, मुझे फजूल की रस्में नहीं पसंद। तुम मेरी बेइज्जती का बाइस बन गई हो, अब मैं तुम्हें तलाक दिलवा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। नहीं मिल रही है, मेरी रिंग नहीं मिल रही है। उमर बैठो, मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने लॉकर में चेक किया कहीं वाना रख दी हो? मैंने पूरी अलमारी देखी है, एक एक दराज खोल के नहीं है वहाँ। किचन में भी तो काम कर रही थी, वाना भूल आई हो? वहाँ पर भी मैंने काउंटर पर भी चेक किया, अलमारियां भी खोल के देखी, किचन में भी नहीं है। जल्दी से बैठ के देखो, तुम कहीं तुमने हाथ धोते हुए वॉशरूम में ना उतार दिए? उमर मेरी मुंह दिखाई की रिंग थी, आपका दिया हुआ पहला तोहफा था, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ उसे?
मैं आपको बता रही हूँ, इधर ही पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ से नहीं हिलाई। मुझे मेरी रिंग चाहिए उमर। परेशान क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं फरिया से कहता हूँ तुम्हारी अंगूठी रोने थी। तो ये रोना तो बंद करो, अंगूठी थी, रोने से चीजें थोड़ी मिलती हैं। स्टॉप क्राइंग। उमर मेरी मुंह दिखाई की रिंग जाएगी तुम्हारी अंगूठी। ये पहले आंटी से बात करो, रोना नहीं है और रिंग का मत बताना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? अम्मी मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुमने आने को कहा था, आ रहे हो ना? वो उमर ने जो मुझे अंगूठी दी थी ना मुंह दिखाई के लिए, अम्मी वो मुझसे गुम हो गई है, मिल नहीं रही है? क्या कह रही हो बेटा, कहाँ गई? पता नहीं अम्मी, मैंने तो बिल्कुल सामने रखी हुई थी, मैंने उसको नहीं हिलाया, पर मैंने पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो बेटा, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दवा ले लूंगी ठीक हो जाएगी। तुम अंगूठी ढूंढो, ऐसा करो अस्तगफार पढ़ के फिर अंगूठी ढूंढना, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करना। अम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंगूठी मिल जाए तो मुझे इत्तला जरूर देना, अच्छा मुझे फिक्र लगी रहेगी। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा जीती रहो, जीती रहो। हे बानो मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? मिल जाएगी तुम्हारी अंगूठी, अंगूठी थी ना। ये आप स्माइल चेंज करके आते हैं। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो काफी खराब लग रही है। आप बैठे 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 यहाँ बैठे आराम से, मेहरबानों को बुलाऊं आप? अच्छा फिर मैं रक्षा लेकर आती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं, आप आराम से बैठी रहिएगा। छोड़ के क्यों चली गई है? और मैं इनसे मिल नहीं सकी, मैं बहुत मसरूफ थी। अम्मी प्लीज वापस आ जाए। अम्मी जिस औरत ने सारी जिंदगी मेरे लिए गुजारी, मेरे पास उसके लिए फुर्सत नहीं थी, मैं मिल नहीं सकी। अम्मी माफ कर दे मुझे, अम्मी माफ कर। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते ना, तो इंसान अपनी मर्जी से आता है और नहीं जाता है, समझो उनका बुलावा आ गया था। बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुमसे बात हो जाए, मगर उन्हें जाने की जल्दी इतनी थी, बस लम्हों में। मैं तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने दम दे दी। अब मुझे इनका प्यार कहां से मिलेगा? इनकी दुआएं अब तो कोई नहीं देने वाला, मेरा बस यही रिश्ता था, अब कहां से मैं? मेहरबानो थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी अम्मी और मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। तो मेरी फैमिली भी तो है। आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा मेरे एक काम करो, मेरी रिस्ट वॉच वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई है, हमेशा की तरह भूल जाऊंगा, मुझे ला के दे दो, मैं यहाँ साइड टेबल पे रख लेता हूँ। उमर यहाँ तो नहीं है। ड्रॉअर में देखो, मैंने माना रख दियो। उमर मेरी अंगूठी। चलो जी
नहीं उमर, मैंने वहां देखा था। तो फिर कहां से आ गई? तुमने लापरवाही में यूं ही इधर उधर फेंक दी होगी और क्या। उमर मैं लापरवाह कभी नहीं थी। मैं यही अंगूठी ढूंढ रही थी जब अम्मी मुझे अपने आखिरी वक्त में याद कर रही थी। अच्छा ये बात मिली? नहीं उमर अभी नहीं मिली। देख लेना कहीं उसका अंगूठी वाला अशर ना हो जाए। अंगूठी वाला? जी अम्मी आपको पता है मैडम की अंगूठी उनके दराज से मिली। बड़ी लापरवाह है मेहरबान। नहीं अम्मी लापरवाह नहीं है, नजर से इधर उधर हो गई होगी। उमर मैंने पूरे कमरे में ढूंढी है, वहां नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस चला जाऊं तो तुम सुकून से देख। चलो शाबाश बैठ के नाश्ता करो। अब क्या घुमा दिया इसने? मम्मी वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। उमर बेटा तुम अब भी वैसे ही हो जैसे शादी से पहले। बेटा बीवियां आकर शोहर की चीजें समेटती हैं, संभालती हैं और तुम हो के। अम्मी मैंने खुद ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। तो बेटा क्या जिन ले गए? भाई वो गोल्डन वाली वॉच तो नहीं थी आपकी? हाँ वो जो मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, पता नहीं मैंने इधर उधर कहीं रख दी होगी। ओ वो वाली वॉच, वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी। लेके आऊं? प्लीज अभी लेके आए। बेटा अपने अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करो। शादी के बाद शोहर की चीजों का ख्याल बीवी को ही रखना होता है। This one. Thank you so much. अरे अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? उमर उमर उठ जाए, लेट हो रहे हैं। इतनी जल्दी?
सीधे रोड सोने दो मुझे। फिर आप नाराज होंगे और कहेंगे कि मेहरबानों ने मुझे टाइम पर उठाया नहीं। उठे चलो उठ जाता हूं अगर तुम कहती हो तो। चलें शाबाश तैयार हो जाएं। मेरे कपड़े निकाल दो। कौन से? जो तुम्हारा दिल से। मैं आता हूं। उमर, आपने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? मैंने कोई खजाना नहीं छुपाया हुआ जो उसकी चाबी संभालूंगा। आपने तो कहीं नहीं देखी ना। मेहरबान हो, मुझे ऑफिस से देर हो रही। ये मजाक तुम बाद में कर लेना, मेरे कपड़े निकालो प्लीज। उमर, मैं उसे अलमारी में ही लगा रहने देती हूँ। इतनी सारी चाबियां हैं, मैं कौन कौन सी संभालूं? मैंने उसको नहीं निकाला वहां से। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। इस कमरे में मेहरबान हो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता। तुमने ही कहीं पर रख दी होगी चाबी, ढूंढो और मेरे कपड़े निकालो प्लीज। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो नाश्ता करो। अम्मी मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। या अल्लाह, अब चाबी नहीं मिल रही, इस घर में आखिर हो क्या रहा है? मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की लापरवाहियों से। भाई चीज ऐसे रखते क्यों हो जो ना मिले? सामने रखा करो ताकि फौरन मिल जाए। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं किस अजाब में फंस गया। कोई चीज वक्त पे मिलती ही नहीं है। परी जी, मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, जरा ढूंढो जाके। अच्छा अच्छा बेटा, तुम तो बैठ जाओ, क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? नाश्ता करो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मत करो, फरी ढूंढ रही है ना, मिल जाएगी। भाई वैसे मुझे सच में लगता है आप लोग ना जानबूझ के अब चीजें घुमाने लगे हैं ताकि मुझे परेशान कर सकें। और भाभी आपको ना थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए भाई की चीजों की, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। नहीं मिली मुझे कहीं चाबी। अम्मी मेरी मीटिंग है आज, मुझे हर हाल में ऑफिस पहुंचना है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। मैं क्या कहूंगा ऑफिस वालों का कि मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी? या मेरी बीवी इतनी लापरवाही कि कोई भी चीज अपनी जगह पे रखती ही नहीं?
मैंने जहर दिया तो मैंने मेरे खाला को जहर दे दी। मैं नहीं देना चाहती हूँ। मेहरबानों को मार दूंगी मैं। जानता था तुम्हारा मेहरबानों, आज वादा करता हूँ तुमसे, आज के बाद कभी भी तुम्हारी पलकों को भीगने नहीं दूंगा। से गए ये फासले।